ओके गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल अशोक एडिटिंग। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर रक्षाबंधन आने वाला है, कुछ ही दिनों में आप लोग जान सकते हो कि रक्षाबंधन आने वाला है। तो आप लोगों को भाई यहाँ पर टॉप 20 जो रक्षाबंधन से रिलेटेड बैकग्राउंड है वो प्रोवाइड कराने वाला है। इन सब सारे बैकग्राउंड को आप लोग कैसे डाउनलोड करना है वो भी आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत ही ईजी मेथड है कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है। और भी वीडियोज़ अपने इस चैनल पर पड़े हुए हैं, उनको देख करके आप लोग परफेक्ट तरीके से फोटो को एडिट कर सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को पहले बैकग्राउंड प्रोवाइड किए जाएं, उनकी हेल्प से आप लोग बेहतरीन का फोटो एडिट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिएगा। और हाँ गाइस, इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर मैं अच्छे अच्छे रील्स फोटो पोस्ट करता रहता हूं। तो चलिए गाइस, बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। विदाउट टाइम वेस्ट लेट गेट स्टार्ट। सो ओके गाइस, यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को एक एक करके सारे बैकग्राउंड को विजिट करा देता हूँ कि कौन कौन से बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं और इनको कैसे डाउनलोड करना बता देता हूँ कि डाउनलोड करने का मेथड बहुत ही ईजी है। एक स्टेप में आप लोग अच्छे से जो बैकग्राउंड है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बैकग्राउंड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो बैकग्राउंड है वो ब्लर है और ऊपर जो है रक्षाबंधन का टेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड जो नेक्स्ट बैकग्राउंड है वो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखते हो रक्षाबंधन है और ऊपर राखियाँ की पेंजेस वगैरह मैंने ऐड किए हुए हैं। तो इन सबको कैसे डाउनलोड करना है आगे वीडियो देखते जाइएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे डाउनलोड करना है। तो यहां पर मैं फटाफट आप लोगों को सारे बैकग्राउंड को दिखा देता हूं। तो भाई लोग, यहाँ पर जैसा कि आप लोग देखा कि बैकग्राउंड सारे आप लोग देख लिए हैं। तो इन सारे बैकग्राउंड कैसे डाउनलोड करना है आप लोगों को, तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे ही लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करते ही दोस्तों आप लोग सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को नेट ऑन रखना है, नेट अगर ऑन नहीं रखोगे तो आप लोग कुछ भी ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो बैकग्राउंड है वो दोस्तों यहाँ पर ओपन होने लगे हैं। और इन सारे बैकग्राउंड कैसे डाउनलोड करना है, तो मान लीजिए कि मुझे फर्स्ट वाला बैकग्राउंड डाउनलोड करना है तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, प्रोसेस लेने के बाद में आप लोग सामने बैकग्राउंड ओपन होकर आ जाएगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों जो बैकग्राउंड है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों ऊपर आप लोगों राइट साइड में डाउनलोड का बटन देखने को मिला, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो जैसे गाइज आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करते ही सामने आप लोगों के सामने एक फाइल ओपन हो जाएगा। तो यहां पर देखने को मिल रहा है फाइल 296 यहां पर केबी का है, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आप लोगों को जो बैकग्राउंड है वो दोस्तों चुटकियों में यहां पर डाउनलोड हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो नोटिफिकेशन, यहां पर बैकग्राउंड हमारा डाउनलोड होने लगा है। तो यहां पर आप लोगों को एक एक करके सारे बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। तो यहां पर मैं बैक करता हूं, बैक करने के बाद में आप लोगों को और भी बैकग्राउंड डाउनलोड करके दिखाता हूं। तो मान लीजिए कि मुझे यहां पर बैक कर देते हैं और इस वाले सेकंड वाले बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। कोई सा बैकग्राउंड आप लोगों को डाउनलोड करना है उस बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और लोडिंग लेगा। आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहां पर आप लोग डाउनलोड कर लेना है ऊपर साइड राइट साइड में। और यहां पर फाइल का बटन देखने को मिल रहा है, उस पर आप लोग क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही जो दोस्तों आप लोगों का बैकग्राउंड है वो गैलरी में सेव हो जाएगा। यहां पर डाउनलोड करने का परमिशन मांग रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, यहां पर कैंसिल कर देता हूं। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे बैकग्राउंड को इजी स्टेप में सारे बैकग्राउंड को एक एक करके आप लोग डाउनलोड कर लेना है और बेहतरीन से बेहतरीन आप लोगों को फोटो एडिट कर लेना है। फोटो एडिट करना नहीं आता है तो काफ़ी सारे वीडियोज पड़े हुए हैं और आने वाले समय में आप लोगों को मिलते रहेंगे। अभी जन्माष्टमी पर भी मिलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि मैं ऐसी रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।